ਐ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਣਾ ਮੋਈ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਦੁੱਖ ਲਾ ਗਿਆ। ये बंदा पीछे से इशारे तोड़ के आया और ड्रिफ्टिंग करता आ रहा था। सेपरेट रूम में बिठा रहे हैं, फैमिली आ रही है, उसके मोबाइल दिया हुआ है, हर चीज़ मिल रही है। उनका एक बंदा बैठा हुआ है जो उनको KFC और मैकडोनल्ड और फास्ट फूड लेके दे रहा है, वो लग ही नहीं रहा, वो किसी सजा काट रहा है। कुछ तो एक्शन लिता जाए, थोड़ी जी उसकी मां भी दर्द होए, उसके प्यो भी दर्द होए। शहर लाहौर में एक और जुल्म की दास्तान जो है वो बीत चुकी है। कुछ माह पहले होने वाले DHA के एक वाकये में, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर ने 7 अफराद की जान ले ली थी, जिस बच्चे का नाम अफनान था, उस वाकये में और इस वाकये में बहुत मुमासलत है। उस केस में अफनान के हाथों 7 लोगों की मौत हुई थी और इस केस में DHA के एक अमीर जादे के हाथों एक शख्स की जान गई है और उस एक शख्स की जान जाने की वजह से उसके खानदान के 7 अफराद इस वक्त जिंदा लाशें बनकर आपके सामने बैठे हुए हैं। इस वालदा के बेटे के मुलजमान के साथ क्या शाही रवैया अपनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें जब आप सुनेंगे तो यकीनन शर्मा जाएंगे। छोटा जिहा बच्चा है, ऐसा की कसूर है? ऐसे बच्चे ने मैं कितने लेके जावा? वो जड़ी बच्ची है 1.5 साल की, बाबा बाबा इको ही लफ्ज़ नूं आंदा है कहना बाबा, वो सौंदी नहीं। रात असि 1-2 बजे पूरियां सड़कों से लैके फिरते रहे किसी तरह, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਭੈਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਣਾ ਮੋਈ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਦੁੱਖ ਲਾ ਗਿਆ। ऐनी शाहिदीन बता रहे थे कि जो उस लड़के के लवाही कीन थे वो उसी वक्त पीछे सारे गाड़ियां लेके आ गए थे छुड़वाने के लिए। वो तो अवाम के प्रेशर की वजह से पुलिस ने नहीं छोड़ा, नहीं तो पुलिस ने उसी टाइम छोड़ देना था उसको। वो ये भी बता रहे थे कि ये बंदा पीछे से इशारे तोड़ के आया और ड्रिफ्टिंग करता आ रहा था। मेरा भाई ना इन ड्राइव पर गाड़ी चला रहा था बाइक, तो वो घर से निकला 5 बजे। 15 मिनट बाद भाई ने दोबारा कॉल की कि यार हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो अननोन बंदे ने उठाई कि यार आपका बंदा इधर एक्सीडेंट हो गया, तो आपका बंदा जो है ना एक्सपायर हो गया, आप इधर आ जाओ। हम अगर जाके जाए पहुँचते तो काफी ज्यादा रश लगा होता है। हम उधर से जनरल हॉस्पिटल जाते हैं, बॉडी उधर रखवा के हम आते हैं थाने में। SHO साहब ने जाते साथ ही हमें मदईयों के सामने, दूसरी पार्टी के सामने हमें बिठा दिया कि आप इनके साथ बैठो, कुछ सेटलमेंट करो। भाई अभी हमारा हॉस्पिटल में है तो उन्होंने हमें उनके सामने बिठा दिया। पूरी रात जलील होने के बावजूद सुबह हमारे 4 बजे उन्होंने हमारे से दरख्वास्त ली है। नेक्स्ट डे हम गए हैं, आगे से हम देखते हैं वो बंदा हवालात में बंद नहीं होता। हम ऊपर इन्वेस्टिगेशन रूम में गए हैं तो आगे बैठा हुआ था, जिसकी हमारी और ये इन्वेस्टिगेशन के साथ बड़ा बहस हुई कि यार इसको क्यों बिठाया हो तुमने। सेपरेट रूम में बिठा रहे हैं, फैमिली आ रही है, उसके मोबाइल दिया हुआ है, हर चीज़ मिल रही है। उनका एक बंदा बैठा हुआ है जो उनको KFC और मैकडोनल्ड और फास्ट फूड लेके दे रहा है बच्चे को अंदर पूरा, उसको वो तो गेस्ट रूम में आया हुआ है, वो लग ही नहीं रहा, वो किसी सजा काट रहा है। अभी जब उन्होंने उसका चलान नहीं किया और वो इधर ही बैठा हुआ है जो हमारा मुजलिम है। FIR दर्ज हो चुकी हुई है, उसमें क्या क्या दफात का इंदराज किया गया? 322 लगी है। DSP साहब से कल रात को फ़ोन आया मुझे कि आपकी दोनों पार्टी को मैंने बिठाना है। मैं कह यार आप क्यों बिठाना चाह रहे हैं उनको हमारे सामने, हम इनको कोर्ट में मिलेंगे। कहते नहीं जी आप एक मरतबा आओ, पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं किया, हम खुद जोर लगा रहे हैं, CCTV फुटेज वगैरह हमारे पास पड़ी हैं। गाड़ी जिसने हिट किया आपके भाई को, वो कौन सी गाड़ी थी? उस गाड़ी में कितने अफराद उसमें सवार थे? वो मार्क एक्स गाड़ी थी। गाड़ी में लोग कह रहे हैं कि लेडीज़ थी, वो भाग गई थी, उसके जूते वगैरह भी पड़े हैं। IG साहब से अपील है, उन्होंने पहले भी बड़े अच्छे काम किए हैं, वज़ीर आला बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनसे यही अपील है कि नोटिस लें। आज तो हमारा गया, अगर नोटिस लेंगे कल किसी और का नहीं जाएगा। जो भी इसकी सजा बनती है वो अपने उसको मिले, उसको भी पता चले कि मैंने क्या गलती की है।
मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त वो वजीर आला थे उन्होंने एक कम उम्र ड्राइवर अफनान के साथ जो रवैया रवा रखा यही रवैया रवा रखना चाहिए ताकि तमाम तर अमीर ज़ादों को इस चीज़ का एहसास हो सके कि गरीब के सीने में भी दिल धड़कता है, गरीब के भी एहसास होते हैं, गरीब के भी ख्वाहिशात होती हैं, गरीब की भी ज़िंदगी है, गरीब के साथ भी वाबस्ता कुछ जाने हैं जो उस शख्स की उस गरीब की राह तक रही हैं ताकि हर एक शख्स के साथ इंसाफ हो सके। ट्रैफिक का इदारा बहुत ज़्यादा फाल है, बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के अंदर आपका साथ निभा रहा है, आपकी बाजू बना हुआ है, लेकिन इस ट्रैफिक के निज़ाम को, इस ट्रैफिक के इदारे को मज़ीद मुस्तहकम करते हुए इन उन इलाकों में जहाँ पर रईस रहते हैं, उन इलाकों में जहाँ पर अमीर रहते हैं, उनको भी नथ डालने की ज़रूरत है ताकि इस इलाके में, इस जगह पे, इस पाकिस्तान में अमन का बोलबाला हो सके, इंसाफ का बोलबाला हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।